वीडियो में दिखाए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले ध्यान रखें, यह नंबर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेने के लिए उपलब्ध है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके शुल्क पता कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा व प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कराने हेतु इस नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। वृश्चिक राशि के जातकों की 3 कमजोरियाँ जानेंगे हम। वृश्चिक राशि के जातकों की 3 बड़ी कमजोरियाँ जो जीवन में दिक्कतें और असफलता हाथ लगाती है। सबसे पहले जानते हैं पहली कमजोरी क्या है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और इनकी कमजोरी ये है क्योंकि मंगल सेनापति हैं, मेहनत के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। ये लोग मेहनती तो होते हैं, लेकिन इनकी जो पहली कमजोरी है, हमारे ज्योतिष के अनुभव में जो पहली कमजोरी पकड़ में आती है वो ये है कि आदतें जो लग जाती हैं, लत इन्हें जल्दी लग जाती है। कोई भी आदत अगर पकड़ लेते हैं तो वो छूटती नहीं है फिर, और ये जीवन की बड़ी कमजोरी है। मान लीजिए अच्छी आदत लग गई तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरी आदत लग गई तो ये जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ लाती रहती है, जीवन बेहाल कर देती हैं एक आदतें। तो क्योंकि किसी चीज़ की लत लगना अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है, क्योंकि अच्छी लत लग जाए तो अच्छी बात है और बुरी लत लग जाए तो बुरी बात है। दूसरी कमजोरी जो है वो है, ये लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हर बात में जल्दबाजी, और जल्दबाजी के चक्कर में अपने बहुत सारे काम बिगाड़ लेते हैं। कोई भी काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं और जल्दबाजी में वो फैसला इतना गलत हो जाता है कि बाद में पता चलता है ये फैसला तो बहुत ही गलत हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर ये वापस भी नहीं ले पाते हैं उस फैसले को, क्योंकि इनकी मजबूरियां हो जाती हैं ऐसी। तो ये जल्दबाजी का जो है बहुत ज़्यादा इन पे कमजोरी है एक तरह से इनकी, और ये जल्दबाजी ही करते हैं। जल्दबाजी के बिना इनके काम इन्हें लगता है कि हो नहीं पाएगा, इसे सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरी जो कमजोरी है, क्रोध करना। इन लोगों में क्रोध भी बहुत सारा है, क्रोध हर बात पर हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, और इसी क्रोध के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि क्रोध बहुत ही ज़्यादा आए लेकिन सही बात पर आए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो जायज़ बात नहीं है उस पर भी क्रोध करते हैं। तो क्रोध में ये अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि क्रोध के आवेश में ये अपने कुछ भी फैसले कर देते हैं जो इनके जीवन के लिए घातक साबित होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।